मायावती की INDIA अलायंस में होगी एंट्री, जयंत चौधरी ने कर दिया साफ, बोले BSP की हम क्यों। जयंत चौधरी ने तीखे तेवर दिखाकर भाजपा पर तंज कसा और वह पहले निर्णय लेती है और फिर बदल देती है। उन्होंने चर्चाओं पर विराम लगाते हुए कहा है कि उनकी पत्नी चारू चौधरी की लोकसभा चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है। पत्रकारों से बात करते हुए जयंत ने कहा, भाजपा अपनी शैली के अनुसार पहले निर्णय लेती है और फिर बदल देती है। गन्ना के रस से एथेनॉल, 3 कृषि कानून तथा भूमि अधिग्रहण कानून के मामले में भाजपा ने अपने ही फैसलों को बदल दिया। कुश्ती संघ में भ्रष्टाचार, गबन तथा अत्याचार करने वालों को व्यवस्था से बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए। बागपत से रालोद की लड़ेगी चुनाव। INDIA में रालोद की सीटों की संख्या के दावे के सवाल पर गोलमोल जवाब दिया कि बढ़िया होगा, बागपत में रालोद ही लड़ेगा। खुद के लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि जनता से बात कर निर्णय लेंगे। मिमिक्री मामले पर कहा कि हर चीज में जाति लाना ठीक नहीं। जिस संविधान की धारा में उपराष्ट्रपति ने शपथ ली, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि जाति का उल्लेख करें। उपराष्ट्रपति ने जिस तरह से मामला हैंडल किया उससे भी कुछ कमियां हैं। मिमिक्री में कहीं भी जाति सूचक शब्द का जिक्र नहीं। मिमिक्री करने वाले सांसद कह चुके हैं कि उनकी मंशा व्यक्तिगत भावना को ठेस पहुँचाना नहीं था। राष्ट्रपति जिस पद पर बैठे हैं उन्हें उनकी ताकत समझनी चाहिए। ब्रिटिश संसद में हो तो सदन के बीच मिमिक्री बनाते हैं। राहुल गांधी के वीडियो बनाने के सवाल पर बोलने की वीडियो तो कोई भी बना सकता है। वहीं बसपा के सवाल पर कहा कि हम क्यों उनकी चर्चा करेंगे, जब वह विपक्षी गठबंधन में आना नहीं चाहती तो INDIA की बैठक में मायावती पर कोई भी चर्चा नहीं हुई। नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।